हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ये मेरा बालकनी गार्डन है यहाँ पे पौधे तो काफ़ी हैं लेकिन बस भरे हैं कुछ कैरेक्टर नहीं है और विंटर की तैयारी भी करनी थी इसके लिए मैंने इसको रिनोवेट करने का प्लान किया है सबसे पहले तो सारे गमले हटा के इसको साफ़ कर लेना है क्योंकि एक ब्लैंक कैनवस पे जितना अच्छा प्लान होएगा उतना सब रखे होने से नहीं हो पाता है फिर मुझे नए पौधे भी बनाने थे मिट्टी चाहिए थी कुछ तो ये मिट्टी तो इतनी टाइट आ गई मेरे पास कि बिल्कुल उसको टुकड़े करने करने में आफत ही आ गई बिल्कुल और कोकोपीट का ब्लॉक मैंने फाइव के जी ले लिया और उसको तो तोड़ना माय गॉड बिल्कुल एक इतना टास्क था वो प्लीज़ आप में से किसी को मालूम होगी इसका प्रॉपर तरीका क्या है वो मुझे प्लीज़ बताइएगा मुझे तो मालूम नहीं था कोकोपीट का तो मैंने इस तरह से किया है फाइनली तैयार हो गया मिट्टी मिट्टी में अच्छा मैंने कुछ बालू भी मिला ली थी और ये कोकोपीट देखिए तीनों के कलर कितने डिफरेंट हैं कोकोपीट डार्केस्ट है फिर मिट्टी है और ये जिसमें मैं कर रही हूँ ये मैंने कंपोस्ट से बनाया था खाद किचन वेस्ट से तो इसका मेथड भी मैं आपको बताऊँगी बहुत इजीली बन जाता है ये कुछ गमलों में छेद नहीं थे उनमें मैंने छेद किए फिर नर्सरी से जाके पौधे लाके मैंने प्लांटिंग कर ली पौधे लगा लिए नॉर्थ फेसिंग बालकनी है मेरी ज़्यादा धूप नहीं आती है इसलिए ज़्यादा फ्लावर तो नहीं लगा पाती हूँ मैं बस पिटूनिया में अच्छे फ़्लावर्स आ जाते हैं हर साल तो मैं पिटूनिया ही मेनली लगाती हूँ फाइनली मेरे पौधे रेडी हो गए ये खाली किया था तो मैंने सोचा चलो ग्रिल वगैरह भी पेंट कर लेते हैं पेंट कर लिया मैंने इसको पूरा कुछ गार्डन भमसीज हैं मेरी वो भी मैंने पेंट कर ली बहुत दिन से कुछ काम हुआ नहीं था सब जंक टाइप से लग रही थी मैंने इन सबको भी पेंट कर लिया ये मेरा विंड चाइम था बहुत पुराना है बहुत फेवरेट है मेरा इसको भी मैंने पेंट करके बिल्कुल अच्छा सा बना लिया है और ये सब सब कुछ मैंने पेंट कर लिया फिर से नए सिरे से इस तरह से मेरा ये गार्डन पूरा रेडी हो गया खाली हो गया फिर से सजने के लिए और ये सब करने में मैं इतना थक गई कि बस फीवर ही आ गया मुझे तो तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं कि मैंने आप ये सब कैसे डेकोरेट किया है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर